हमारे देश में चलने वाली कई तरह की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाओं के जरिए एक बड़ा वर्ग लाभान्वित हो रहा है। जैसे किसानों की बात की जाए तो इनके लिए राज्य सरकारें तो कई तरह की योजनाएं चला रही हैं। साथ ही साथ केंद्र सरकार भी किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाती है, जिसके अंतर्गत किसानों की आर्थिक मदद की जाती है। इस योजना में पात्र किसानों को हर 4 महीने में 2,000 रुपए की 3 किस्त दी जाती है और इस तरह से कुल सालाना 6,000 रुपए का लाभ प्रत्येक किसान को मिलता है। इसी क्रम में अब अगली 18वीं किस्त जारी होने वाली है, लेकिन कई किसान ऐसे भी हैं जो इस किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं कि ये कौन से कारण हैं जिनसे किस्त अटक सकती है। आपको बता दें कि पीएम किसान योजना के अंतर्गत अब तक पात्र किसानों को 17 किस्त के पैसे मिल चुके हैं और अब अगली बारी 18वीं किस्त की है। वैसे तो अभी किस्त जारी होने की तारीख सामने नहीं आई है, लेकिन नियमों की माने तो अक्टूबर माह में ये किस्त जारी हो सकती है, क्योंकि हर किस्त 4 महीने में जारी होती है और पिछली किस्त जून में किसानों को दी गई थी। तो ऐसे में हम आपको बताते हैं कौन है वो किसान जिनकी 18वीं किस्त अटक सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको किस्त का लाभ टाइम पर मिले तो अपने आधार कार्ड को अपने बैंक खाते से जरूर लिंक करवा लें। जो किसान ऐसा नहीं करवाएंगे उनकी 18वीं किस्त अटक सकती है। ऐसे में अगर आप भी ये गलती करते हैं तो आप किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं। आपने अगर पीएम किसान योजना में आवेदन किया तो ये सुनिश्चित करें कि आपके आवेदन फॉर्म में कोई भी गलती ना हो। नाम, जेंडर, आधार नंबर जैसी चीजें सही से चेक करें। अगर इनमें से कोई भी गलत होगा तो आप किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं और इसके अलावा आप बैंक खाते की जानकारी भी गलत होने से किस्त का लाभ नहीं उठा सकते। पीएम किसान योजना के अंतर्गत उन किसानों की किस्त अटक सकती है जो लोग तय समय पर भू सत्यापन नहीं करवाएंगे। दरअसल विभाग की तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया था कि किस्त का लाभ लेने के लिए ये काम करवाना जरूरी है। आप अगर पीएम किसान योजना से जुड़े हैं और चाहते हैं कि आपको किस्त का लाभ मिले तो इसके लिए जरूरी हो जाता है कि आप EKYC करवा लें। जो किसान ये नहीं करवाएंगे उनकी 18वीं किस्त अटक सकती है। इसलिए हम आपको बता दें कि आप योजना के आधिकारिक पोर्टल pmkisan.gov.in पर जाकर या अपने नजदीकी CSC सेंटर से भी EKYC आसानी से करवा सकते हैं। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।